अधिवक्ता उमेश पाल की हत्या के मामले पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके बड़ा बयान दिया था। मायावती ने इस उनके बयान से यूपी की सियासत का तापमान चरम पर है। इसी मुद्दे को लेकर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव सहित विधायक और मंत्रियों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आर्डर बिल्कुल ध्वस्त है। देखिए, गाजियाबाद में घटना हुई, अभी जौनपुर में पत्रकारों पर हमला हो गया है, प्रयागराज की इतनी बड़ी घटना हुई है, तो अभी तक तो पकड़े नहीं गए। वो तुरंत कार्रवाई होना चाहिए था, तुरंत पकड़े जाना चाहिए था। ट्वीट से करने से कुछ नहीं होना है, 5 साल है, चल रही है, तो ये तो सरकार का ही तो हो रहा सकता है संरक्षण। सहिता परवीन जी को जो केवल ज्वाइन कराया, और बहन जी का ये मानना है कि अब क्योंकि पीड़ित परिवार ने उनका भी नाम दिखाया है, वह अगर जांच में आ जा रहा है कि उनका नाम मतलब इसमें शामिल है, वो भी इन्वॉल्व है, तो बहुजन समाज पार्टी उनको पार्टी से निकाल देगी। ये बहुजन समाज पार्टी का अपना एक हमेशा का वो रहा है, उसी सिद्धांतों के आगे भी चल रहा है। देखिए, ऐसा है कि नए नए जो भर्तियाँ होती हैं जी, अगर उनको थोड़ा सा शिक्षित प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा, कुछ संदेश नहीं दिया जाएगा, तो कभी कभी ये लगता है कि वो उसके भावावेश में गलत काम करता है, तो लेकिन उसका उपयोग थोड़ा सा सहानुभूतिपूर्वक जो जनता देख ले, पहले जो गलत है ना, लेकिन साथ में ये भी कहा है जो अपराधी और माफियाओं के खिलाफ आपको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने वाली माफियाओं को पोषित करने वाली पार्टियां हैं, उनको शायद वो दिन भूल गया। मैं उनकी सरकार में मिली और आरडीएस बम लगा करके अपराधियों ने उड़ाने का काम किया, और जब मैं तो अचेत अवस्था में 7 दिन कोमा में रहा और अज्ञात के खिलाफ FIR लिखाई गई थी। 16 के 16 अपराधी जो उसमें निकल करके आए, सब समाजवादी पार्टी। देखिए, मैंने उसको स्पष्ट कहा कि जिस तरह से 500 से ज़्यादा छापे वाले दोनों काम कर रहे हैं, ED, इनकम टैक्स और CBI, ये सरकार की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। अभी तक उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं आया, जैसा कि हम लोगों ने TV पे जानकारी दी और अधिकारियों के बयान से समझ पाया। इसके बाद भी जिस तरह से उनको अरेस्ट किया गया है, मुझे विश्वास है कि उनको जब न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, न्यायपालिका अपना काम